मैं श्रीमती सरला कुशरिया हूँ और भारतीय जनता के प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी आपको टिकट के लिए नॉमिनेट किया गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी सरेपरे से जी। तो मेरा पहला सवाल यह है कि किन मुद्दों पर आप या फिर छत्तीसगढ़ या फिर केंद्रीय टीम मतलब जनताओं से संपर्क करेगी? सबसे पहले तो प्रदेश की टीम और केंद्रीय टीम को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में सरायपाली विधानसभा के सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बने और यहाँ के नागरिक को भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे टिकट दिलाने में उनकी अहम योगदान है जी। और उसके साथ साथ मुद्दे की बात है तो मुद्दे की सदा तो हम भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम छोर के विकास की बात करते हैं। जहाँ तक जिनकी विकास नहीं उस चरण को हम लोग पकड़ते हैं और वहाँ पर अच्छे काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं बहुत ही 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने जो काम किए हैं तो बहुत ही अहम मुद्दों को लेकर काम किए हैं। वर्तमान में भी यही हम बहनों को देखेंगे, स्कूल को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, किसान बंधुओं को देखेंगे, साथ में युवा भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएँ लेकर आएंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे। कांग्रेस में धान का जैसे कि समर्थन मूल्य में 3,000 और प्रति क्विंटल भी लगभग 20 क्विंटल खरीद, 20 क्विंटल और 2800 रुपये जी, तो क्या इससे ज़्यादा मतलब कांग्रेस बीजेपी देगी से लगता है आपको? बीजेपी के घोषणा पत्र जरूर आएगी, बहुत अच्छे से आएगी और सब आश्चर्य करेंगे इसके लिए। तो उस पल का इंतजार करते हैं घोषणा पत्र की और हम तो पूरी टीम मिलकर साथ में लड़ेंगे। तो उस घोषणा पत्र का इंतजार करते हैं, उसके आधार पर बहुत अच्छा काम करेंगे। आम जनता के लिए मैडम आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आम जनता का बहुत प्यार दुलार मिला है मुझे, चूँकि आध्यात्मिक हूँ, गायत्री परिवार से भी हूँ, तो इसे बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिला है और सबका प्यार दुलार अभी तुरंत टिकट मिलने पर भी लगातार आ रही है। तो उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी और ऐसी प्यार दुलार बना कर रखे और ऐसी स्नेह दुलार देते रहे और हम भी उनको सदा ऐसी जो उनके अनुसार से स्नेह दुलार हम भी बना कर रखेंगे। तो आपसी सामंजस्य के अनुसार से पूरे सरायपाली का विकास करेंगे। मैम मेरे एक सवाल था, जैसे कि रमन सिंह के ऊपर कई किसान आरोप लगा रहे हैं कि 2 बार का बोनस रमन सिंह की सरकार में नहीं मिला था, तो क्या किसान फिर से बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे, बीजेपी पर भरोसा है तब तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के नेतृत्व तो बहुत कुशलता के साथ चला रहे हैं। नहीं तो इस बार किसानों को कैसे भरोसा दिला पाएगी भाजपा सरकार? किसान खुद त्रस्त है, अभी जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है तो किसान खुद त्रस्त है। जैविक खाद लेकर जिस तरह से मिट्टी गोबर को दिया जा रहा है, खाद रासायनिक खाद के लिए उनको तरसाया जा रहा है, बारदाना के लिए वो परेशान हो रहे हैं, धान को बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं, कर्जा माफ़ी का तो आधा का कर्जा माफ़ हुआ आधा के नहीं, खुद किसान परेशान हैं। किसानों की पूरे भरपूर हमको सहयोग मिलेगा। मैम हमारी टीम अभी विधानसभा पिछले दिन कई गाँवों का दौरा की, उसने ये बात सामने लेकर आया कि हम लोग केंद्र में तो मोदी जी का टीम मतलब सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो हम लोग यहाँ कांग्रेस को देखना चाहते हैं, इससे उनका कहना है। तो क्या आम जनता मोदी पे वोट करेगी छत्तीसगढ़ में? जरूर, मोदी पर जरूर विश्वास है और मोदी जी जिस तरह से केंद्र में प्रदेश ही जुड़ा है और प्रदेश में जिस तरह से वो योजनाएं लागू कर रही हैं, प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिस तरह से अन्न दिया गया है और उसको यहाँ पर कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई। हजारों बहनें यहाँ पर बिना घर की गरीब बहनें, बरसात में आप जाके देखिए गाँव में किस तरह से एक किस्त मिला है, घर तोड़ के बैठे हैं, पॉलीथीन डाल के रखे हैं, किस तरह से घर टूट रहा है, किस तरह से वो किस्त की इंतजार कर रहे हैं, वो जो चावल जो 5-5 किलो मिला वो चावल ही नहीं मिला है। तो ये सारी मुद्दे जो केंद्र सरकार मोदी जी दिए हैं और उसके लिए वो आसान्वित थी लेकिन नहीं दिया गया, इसका भी तो रोष है। आवास के मामला तो ठीक है मैम कि राज्य सरकार लाभान्वित जो वहाँ से उसको रोक के रखी थी, लेकिन आप नल जल योजना पर क्या कहना चाहेंगे? जो घर घर नल जल योजना वो भी उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, देख सकेंगे। कांग्रेस में भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हो रहा है, कौन सा क्षेत्र ऐसा नहीं हो रहा है बताइए, है ना? सभी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई सभी ऐसे विभाग हैं, 29 विभाग जो अगर देखेंगे तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जल जीवन मिशन भी इसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।